अपन जंगल में शिकार खेलने के लिए उत्तराखंड गया, वो हमको कह करके गया है कि सिपाही तुम यहाँ से झुनवागढ़ शहर चले जाना और मेरी माँ से कह देना कि राजा गोपी चंद कुछ देर में आएगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे 700 मृगैने ने शराब दे दिया है, मैं इस शराब को मुक्त करवाने के लिए जा रहा हूँ भरत कुंड अपने मामा के पास। अब मैं हो रही आई महारानी जी। दरबानी, तुम तो चले आए हो बिजुवन जंगल से, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? महारानी, आदेश मिला था तुमसे कि पूरब खेलना, पश्चिम खेलना, दक्षिण खेलना, तीन दिशा में शिकार खेल करके जब महाराज गोपी चंद को कहे कि महाराज चलिए अब झुनवागढ़ शहर, तीनों दिशा में कहीं शिकार नहीं मिला, महाराज मूर्छा खाकर के गिर गया बिजुवन जंगल में। क्या हुआ दरबानी? कहा मेरे बेटा कुछ हो गया क्या? नहीं कुछ हुआ नहीं, शिकार जो नहीं मिला सो मूर्छा खाकर के गिर गया कि कौन मुंह लेकर के मैं झुनवागढ़ शहर वापस जाऊंगा, वहाँ का प्रजा लोग देखेंगे तो हमको क्या कहेंगे। हम बहुत समझाए महाराज गोपी चंद को, लेकिन गोपी चंद बात नहीं माना, कहा तीन दिशा का शिकार भाग करके चला गया है चौथा दिशा उत्तराखंड में, मैं जब तक शिकार नहीं खेलूंगा तब तक झुनवागढ़ शहर नहीं जा सकता हूँ। अरे दरवानी, कम से कम मैं तुमको भी कही थी ये मेरे बेटा को उत्तराखंड नहीं जाने के लिए, फिर भी तू भी याद नहीं पा रहा। बहुत समझाए महारानी कि उत्तराखंड नहीं जाओ, लेकिन क्या कहे महारानी, वो बात काट करके उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए चले गए। हम रास्ता देखते देखते सारा दिन बिताए, लेकिन गोपी चंद जब वापस नहीं आया तो महारानी और मुझे कह दिया कि मेरी माँ से कह देना जब तक शिकार नहीं खेलेगा गोपी चंद तब तक वापस नहीं आएगा, जा तुम माँ को सेवा टहल करना और समझा करके रखना। अरे दरबानी, मेरा बेटा कब तक चले आएगा? अब तो उत्तराखंड गया है महारानी, हमको क्या पता कि उत्तराखंड से आता है या उत्तराखंड में कोई जानवर से फंस जाता है। तो आइए, ए है नाथो साहब कपड़िया, ए है नाथो साहब साइकिल पर कपड़ा बेचने वाला, ग्राम सोनवा का रहने वाला उजरा,
उनको तरफ से 51 रुपया का शानदार पुरस्कार है। अब बेजोर सामान बेचते हैं, हमरो कन्या दू गो साड़ी लिया है, उनसे आज तक हाइये है, परसुए लिए हैं, हालांकि आज तक पहन रहा है। बड़ा बेजोर बेजोर मच्छरदानी के हैं, मच्छरदानी शौक से घुस के भीतर में जा के देह पर टहल बेजोर। यही देखिए दरवाली हो, आहो बेटा यही गोपी चंद के देखी ना बनती। अपने पुत्र गोपी चंद को रास्ता देखते देखते वो मन सुक्त करके अपने रंग महल में पड़ी है कि मेरा बेटा गोपी चंद बात काट करके उत्तराखंड चला गया है, कब आएगा नहीं आएगा, भगवान क्या होगा मेरा पुत्र गोपी चंद को। हाँ तो ये है नाथो साव ग्राम सोनमा का रहने वाले कपड़िया उजरा रंगत बड़ी उज्जर आजादीम के हैं लवकी कन्या नर के दुल्हार के सुतई वाला बाव कुछ कुछ करे छे जाजिमो बेचे छे बेजोर मच्छरदानी में को भूर नहीं छे मच्छर हुलकिए मार के रह जाए छे बड़ा बेजोर मच्छरदानी। उनको तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार है हमारी कंपनी को। अरे माथे पर विपत्तिया अरे कहमा जाई अरे कहमा
महारानी मेरे बेटा को बहुत विलंब हो चुका है लग रहा है जंगल में अब कोई जानवर उसे पकड़ लिया है कि जानवरे को वो पकड़ लिया है क्या ठीक है महाघना घोर जंगल बीजू वन जंगल है। अरे दरवानी मुझे बहुत चिंता लग रही है। महारानी जाओ रंग महल में और हम मैन गेट पर रहते हैं जिस समय महाराज गोपी चंद पहुंच जाएंगे आपको मैं खबर कर दूंगा। हाँ दरवानी मैं जा रही हूँ लेकिन आते जब मेरे बेटा चले आएगा बस खबर करना अलगट खबर कर देंगे। अरे बैसाला रोबेली बकरिया हो अरे बैसाला रोबेली बकरिया हो बत्तू बीमार पड़ गई बैसाला रोबेली बकरिया हो बत्तू बीमार पड़ गई कैसे गाई बोला पुरख गरिया हो कैसे गाई बोला पुरख गरिया हो बत्तू बीमार पड़ गई अब महाराज गोपीचंद कहा था मुझे जाने के बाद मेरी माँ को सेवा करना और जो चीज को जरूरी होगा जिस काम का जरूरी होगा गोपीचंद से मेरी माँ को सिपाही तुम पूरा करना और सेवा ढाल करना। आओ रहिया चंद के यही माता दी आई बातिया हो जाई है बेटा गोपिता बाबूजी मैं एक सौदे कौज की राजा था याज राजा से रंग फकीर याज मैंने जोगी फकीर बनके और द्वारे द्वारे भिक्षा मांगता हूं। गुरुदेव महाराज ने कहे थे अगर तुझे अगर इस शराब से मुक्ति होना है तो सबसे पहले अपने माँ मैनावती से जाके पांच मुट्ठी भिक्षा ले ले। सबसे पहले अपने झूनापुर राज में आलखा जगाता आई आलखा जगा जो किया la
आना गोपी जान। परिवार में क्या कोई चेला रामदास है? यहाँ चेला यार रहे झांट में दल के सब चूल्हे में लगा। इधर सुनो, इंजन बेचे छो जोड़ा यार का। नहीं भाई, मैं एक साधु महात्मा हूँ। अच्छा, द्वारे द्वारे जाके मैं 5 मुट्ठी भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा, भीख मांगे छो? ई गुदरिया बाबा छो? हाँ, वही बाबा हो। पपैया वाला देखो न, बदमाशी जो करता है मैं क्या करता हूँ। मोहन, इसको कान काटोगे? बैठ गए। अलै न अलै तो हमरा बत्तू छोड़े वाला काम कर छे जानी, जब तनी एक टगौना के धै देते कह छे कान काटेगा तो ने कह छे। हाँ, इधर सुनो, कैस जोगी महात्मा को कैस दरबार से 5 मुट्ठी भिक्षा मिल जाएगा? तोरा देखो, हमर रानी छे दानी, हमे आर दानी छे, जे आवे छे 5 मुट्ठ जरूरे दे छे। बच्चे राम, ओ आप सत बात नहीं बोलो, ऐसा बोलो 5 मुट्ठी भिक्षा देता हूँ। हाँ हाँ, 14 कोस का राज पार दखे छो, यहाँ से वहाँ मेन रोड तक सब। तो ऐसा करो, जाओ इस राज का मेहरानी को बुला के लाओ और मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा दिलवाओ, तब तक मैं इसी जगह बैठता हूँ। अच्छा बैठो बाबा, बैठो। आ यही तो नगरी आना
गोपी चल गाभिन पाठा छल मोर जीते हला करबो रे इधर सुनो बच्चे ना आय रहल छ तोरा भिक्षा देले एना हल्ला नहीं करो मैं तो रमता जोगी राम राम कलिस गांव में परसुस गांव में ए तो जोगी बाबा का ऐसा ही चलते रहता है ये लभिया गे अरे की लो आगे एगो बाबा जी आएले नो पपैया बजबे वाला बन गई अलगट रंजन पढ़ब कर